राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जब गलती से राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया तो बीजेपी ने इस पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया। अब अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस बयान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी है। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मैंने आपके पद को परिभाषित करने के लिए गलती से एक अनुपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे इसका खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ था। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगी। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल गया और इसके लिए बवाल करना, ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है तब ये ढूंढते हैं कहीं के